उसमें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रख लीजिए गाइस, तब तक हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? ओके फाइन, जो भी लोग अभी यहाँ पर मतलब अवेलेबल है इन ऑन द स्क्रीन, सो जस्ट बी स्टे फोकस, क्योंकि हम 5 to 10 minutes देखने वाले हैं कि कैसे क्या हम एंटरप्राइज एडिशन का डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग इक्लिप्स आईडीई, ठीक है? इसका स्क्रीन थोड़ा सा ट्राई करूंगा मैं मैक्सिमाइज करने का, बट फिर भी अगर जितना अगर आपको दिख रहा है एंड इफ यू आर यूजिंग इन मोबाइल, तो आप उसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है? सबसे पहले चीज यहाँ पर करनी है राइट क्लिक, ओके? यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में आई नीड टू जस्ट राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है? और आपको इंस्टॉलेशन के वक्त ध्यान रखना है, इक्लिप्स के अलग अलग वर्जन आते हैं, जो मैंने लिंक शेयर की है डाउनलोड के लिए, वो डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको इंस्टॉलर को ओपन करेंगे, तब आपको एंटरप्राइज एडिशन सिलेक्ट करना है, विच एडिशन? एंटरप्राइज एडिशन फॉर वेब डेवलपमेंट, ओके? देन ओनली यू विल बी एबल टू सी दिस ऑप्शन इन न्यू, ओके? इन न्यू, यहाँ पर न्यू जब करते हैं हम, ठीक है, राइट क्लिक एंड न्यू, ठीक है? यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, इसमें आप लोगों को डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मिलेगा अगर आपने एंटरप्राइज एडिशन डाउनलोड किया है तो, ठीक है? अदरवाइज ये प्रोजेक्ट में आपको ये लिस्ट में नहीं दिखेगा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, तो आप लोगों को अनइंस्टॉल करना है एंड फिर से एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करके ये चेक करना है, ठीक है? देन वंस यू हैव दिस ऑप्शन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ओके? वंस यू हैव दिस ऑप्शन, you can just click on dynamic web project, ठीक है? Screen is recording, तो आप इसको बाद में follow भी कर सकते हैं। Project name मैं दे देता हूँ यहाँ पर TCET servlet, okay? TCET servlet demo, okay? Here I can just select the target runtime, ठीक है? Target runtime यहाँ पे मैंने version 9 use किया है। आप लोगों के system पे अगर ये blank show करता है, तो आपको क्या करना है? Run 9 select करके next एंड यहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फोल्डर, ठीक है, जहां पर भी आपने इंस्टॉल करके रखा है या फिर वो फोल्डर को रखा है टॉमकैट के, तो वो 9 फोल्डर आप सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट फोल्डर कर सकते हैं, ठीक है? आई विल रिपीट दिस स्टेप, ठीक है? ये वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा। अगर आपके सिस्टम पे ये ऐसा नन या फिर ब्लैंक आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रन टाइम में जाना है, रन टाइम में यहाँ पर वर्जन सिलेक्ट करना है अपाचे टॉमकैट वर्जन 9, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे वहां पर वेब सर्वर है, बट यू नीड टू यूज फॉर प्रैक्टिस दिस अपाचे टॉमकैट वर्जन 9। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज का, और ब्राउज में आपको जाने के बाद क्या सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है टॉमकैट, ठीक है? टॉमकैट मतलब जो भी फोल्डर आपने डाउनलोड किया रहेगा, वो फोल्डर जहां पर भी सेव रहेगा, ठीक है, वो फोल्डर के अंदर ओपन करके ये वाली जो लिस्ट दिखेगी, बिन कॉन फ्लिप लॉक स्टेम वेब एप्स या वर्क, ठीक है, ये लिस्ट जो दिखेगी वो सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है, तभी आपका वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद वो चीज यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी, और वो प्रोजेक्ट जब आप लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तभी आप लोगों को ये ऐड करना है, ठीक है? टारगेट रन टाइम मतलब ये वर्जन 9.0, ठीक है? डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन 4 रखेंगे हम इसको, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है? एंड बाकी सारी चीजें एज इट इज रख के इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट सोर्स ये बोल रहा है, सोर्स मेन एंड जावा, इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे, जितने भी जावा से रिलेटेड फाइल्स रहेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, ये चीज आपको सिलेक्ट करना है, सो दैट ये कभी भी आपके वेब ऐप में टॉमकैट में इंस्टॉल करने के वक्त इसमें की चीजें वो यूज करता है, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या रहना चाहिए, अब अगर आपने सर्वलेट यूज किया है तो सर्वलेट कैसे क्या इंटीग्रेट करना है, वो सारी चीजें इसमें रहती है, सॉरी सर्वलेट नहीं, स्प्रिंग वगैरह कैसे क्या इंटीग्रेट करना है, वो सारी डिटेल्स इसमें रहती है। आपका लैंडिंग पेज कौन सा रहना चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है, हम लोग इस फाइल को भी देखेंगे, ठीक है? जनरेट web.xml फाइल के चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जस्ट फिनिश कर देना है। ओके, लेट इट जस्ट क्रिएट द प्रोजेक्ट फॉर यू, वहां पे वो बहुत सारी फोल्डर्स एंड फाइल्स क्रिएट करके दे देता है आपको, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? सो आपका एनवायरमेंट वेरिएबल वो क्रिएट करके देता है इक्लिप्स आईडी, ठीक है? वंस यू हैव दैट फोल्डर, ओके, वंस यू हैव दैट फोल्डर, इसके ऊपर इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड यू कैन सी द लिस्ट ऑफ फाइल्स अवेलेबल हियर, ठीक है? लिस्ट ऑफ फाइल्स फोल्डर्स, उसमें लाइब्रेरीज जो है वो सारी की सारी चीजें वहां पर अवेलेबल करके दे देता है वो, ठीक है?
वंस यू क्रिएटेड दैट डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ओके, आपको उस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, इट जस्ट बिल्ड दैट प्रोजेक्ट फर्स्ट, ओके, एंड कॉन्फ़िगर में जाके यू नीड टू कन्वर्ट दैट प्रोजेक्ट इनटू मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती है जो एमवीएन रिपोजिटरी में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, सो दोज लाइब्रेरीज यू नीड टू जस्ट इंस्टॉल इन योर प्रोजेक्ट। उसके लिए क्या करते हैं, हम मेवन में कन्वर्ट करते हैं, विच विल गिव यू वन एक्सएमएल फाइल जहां पे आप जितने भी लाइब्रेरीज है वो आप मैन्युअली उसका से कोड ऐड करना है, एंड लाइब्रेरीज इक्लिप्स आपके लिए वो डाउनलोड करके आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में रख देता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट, ओके, राइट क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट, एंड हियर इन कॉन्फिगर यू कैन सी द ऑप्शन कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ले जस्ट डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो एज इट इज सिलेक्टेड रखना एंड जस्ट फिनिश। यू कैन सी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड आई थिंक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, आई एम नॉट श्योर वॉट इज द फुल फॉर्म, बट इसमें आप लाइब्रेरी की लिस्ट रख सकते हैं जो भी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए लगेगी, ठीक है। इतना क्लियर है गाइस, प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना एंड प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कैसे करना मेवन में, दैट इज क्लियर, देन हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, ठीक है। और ये वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी वीडियो शेयर किया जाएगा उसमें आप चेक कर सकते हैं कैसे क्या क्रिएट किया। अब यहाँ पर एक सिंपल हम हेलो वर्ल्ड, एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग सिंपल एचटीएमएल का फाइल बना के, ठीक है। राइट क्लिक ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड सिंपली सिलेक्ट द एचटीएमएल फाइल, ठीक है, राइट क्लिक न्यू एंड देन एचटीएमएल फाइल, ओके। एचटीएमएल फाइल का नाम देते हैं हम टेस्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सिलेक्ट करते हैं एंड इट विल ओपन द इंडेक्स फाइल इन माय एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया, इट हैज गिवन मी द बिगर व्यू, और कंट्रोल प्लस प्लस करने से आई कैन इंक्रीज द साइज, ओके। ठीक है, टीसीईटी वेब ऐप यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं वेलकम टू माय ऐप, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रन दिस प्रोजेक्ट। तो इसको रन कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर जस्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो रन की बटन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है, रन एज रन ऑन सर्वर, क्योंकि हमें ये वेब सर्वर के ऊपर रन करना है, सो वेब सर्वर पे हमें इसको पहले डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। तो इक्लिप्स के केस में क्या होता है, रन एज रन ऑन सर्वर जब क्लिक करते हैं तब वो मुझे पूछता है कि आपको कौन से सर्वर पे इसको रन करना है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के वक्त टॉमकैट 9 तो सिलेक्ट किया था, लेकिन हमें फर्स्ट टाइम इसको रन करना है तो डिप्लॉय करना भी जरूरी है। तो डिप्लॉय करने के वक्त हमने क्या किया, फिर से टॉमकैट वर्जन 9 सिलेक्ट किया, यहाँ पर नेक्स्ट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद वो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दिखाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहां पर है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर रिमूव ऑल पे क्लिक करता हूँ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट अभी हमें डिप्लॉय करना है। तो टीसीटी सर्वलेट डेमो हमारा ये प्रोजेक्ट है, उसको डिप्लॉय करना है, इसको जैसे ही फिनिश करेंगे इट विल स्टार्ट। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिमूव द रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, पहले जो मैं प्रैक्टिस करता था वो सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी और सिर्फ एक ही चीज अभी वहां पर है सर्वर पे जो डिप्लॉय होने वाले, टीसीटी सर्वलेट डेमो प्रोजेक्ट, इसको जैसे ओके करेंगे इट विल स्टार्ट डिप्लॉइंग दैट प्रोजेक्ट ऑन द अपाचे टॉमकैट सर्वर जो इक्लिप्स के अंदर इंटीग्रेटेड है, एंड वंस इट इज स्टार्टेड इट विल ओपन द डिफॉल्ट ब्राउजर अवेलेबल इन इक्लिप्स और वहां पे वो शो करेगा उस एचटीएमएल फाइल को, ठीक है। देखो ये कंसोल में सारा का सारा चीज ओपन करके दिख रहा है कि क्या है रनिंग हो रहा है वहां पे, ठीक है। वंस इट इज डिप्लॉयड इट विल शो द एचटीएमएल फाइल इन द ब्राउजर, ठीक है, जो डिफॉल्ट ब्राउजर है यहाँ पर वो ब्राउजर इसने ओपन कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड हमारा जो कस्टम ब्राउजर है दैट इज क्रोम, उसके ऊपर हम इसको रन करके देखते हैं। सो यू कैन सी दैट फाइल इज रनिंग ओवर हियर, कैन यू सी दिस गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, यस सर। ओके फाइन। सो ये सिंपल चीज हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था उसको हमने रन किया रन ऑन सर्वर का यूज करके, एंड इसको हमने इक्लिप्स के जो डिफॉल्ट ब्राउजर था वहां पे ओपन किया तो वो अवेलेबल हो गया। Why? Because my server is running, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्वर्स में
ये सर्वर जो है ये यहाँ पर रनिंग स्टेट में दिखा रहा है, स्टार्टेड, ओके। और इसको जैसे मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं जितने बार चाहे उतने बार रिफ्रेश कर सकता हूँ। इसका टैग भी चेंज करके देखते हैं, टैग चेंज, टैग डाल के देखते हैं इसमें H1। लोड होता है फिर से आपका सर्वर पे, और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यू कैन सी इट इज शोइंग मी H1 टैग के अंदर। बट अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ सर्वर को, देखो यहाँ से हम स्टॉप करते हैं, सो टॉमकैट 9 वर्जन है स्टॉप। अभी इसको यहाँ पर आके रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, सो इट इज नॉट रनिंग, ठीक है, क्योंकि सर्वर ही मेरा सर्व करने के लिए रेडी नहीं है वो उस पेजेस को, तो वहां पे रनिंग स्टेट में दिखाएगा भी नहीं, ठीक है। एक चीज और दिखा देता हूं मैं यहाँ पर बिफोर वी गोइंग इनटू द ब्रेक, तो इसको रिलीज कैसे करते हैं। अगर लेट से अभी आपको प्रोजेक्ट सबमिट भी करना पड़ेगा, तो वो अपना सिस्टम लेकर थोड़ी ना जाएंगे और वहां पर जाके ये थोड़ी ना बोलेंगे कि सर ये मेरा देखो प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है, एक टार फाइल वगैरह सेंड करनी है अपने जो भी मॉडरेटर रहेंगे उनको, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें वो फाइल सेंड करना पड़ेगा और वो फाइल वो लोग डिप्लॉय करके चेक कर सकते हैं। तो जैम्प, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में जैम्प भी मिला होगा, जैम्प के अंदर टॉमकैट अवेलेबल रहता है, ठीक है, जैम्प के अंदर टॉमकैट अवेलेबल रहता है। तो टॉमकैट आप क्या कर सकते हैं, आप टॉमकैट को एक बार यहाँ पे सब स्टॉप करके देखते हैं, सर्वर स्टॉप, ओके, सभी के सभी सर्वर स्टॉप है, यहाँ पर स्टार्ट करके देखते हैं टॉमकैट इज अवेलेबल और नॉट, ठीक है। ठीक है, कभी कभी ये कैशिंग में भी रहता है, 8080 जो पोर्ट है वो इट इज इन यूज बता रहा है यहाँ पर, ये हम ट्राई करके देखते हैं इसको रिस्टार्ट करके। ओके, 8080 इज अवेलेबल, अभी हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 8080, ठीक है, 8080 पोर्ट हम ट्राई करके देखते हैं वेदर इट इज एक्सेसिबल और नॉट। ठीक है, दिस इज एक्सेसिबल, और यहां पर आप देख भी सकते हैं मेरा जो डिफॉल्ट पेज है अपाचे टॉमकैट का, दैट इज अवेलेबल। अब मुझे क्या करना है, मेरा TCET सर्वलेट डेमो की जगह हम TCET ऐप ऐसा रख देते हैं और इसको हिट करके देखते हैं। सो दिस इज नॉट फाउंड, इट इज नॉट फाउंड येट, ओके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, फिर से हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, एंड प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है एंड यू कैन सी हियर एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट ऑप्शन यू कैन फाइंड हियर, एंड इन दिस ऑप्शन यू नीड टू क्लिक ऑन वार, ओके। सो वार फाइल में ये कन्वर्ट कर देगा आपका पूरा प्रोजेक्ट को, एंड लेट्स से इसको डेस्टिनेशन फोल्डर रख देते हैं, आपका TCET का जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था वही पे उसको रखते हैं, ठीक है। सो TCET फाइल का नाम रख देते हैं TCET ऐप, ठीक है, TCET ऐप डॉट वार सेव कर देते हैं इसको, एंड लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन फिनिश। जैसे इसको फिनिश किया, लेट्स सी वेदर इट इज अवेलेबल इन डेस्कटॉप और नॉट, हमारे TCET फोल्डर के अंदर, ओके, TCET ऐप डॉट वार फाइल अवेलेबल है अभी, ठीक है। बट अभी अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो मिलेगा क्या वो, नहीं, क्योंकि 8080 इट इज पॉइंटिंग टू समवेयर एल्स, ओके, तो ये कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम कॉपी करते हैं, एंड मेरा जैम फोल्डर के अंदर टॉमकैट फोल्डर है, ठीक है, जैम फोल्डर के अंदर टॉमकैट फोल्डर है, उस टॉमकैट फोल्डर के अंदर मेरा कौन सा फाइल रहेगा, फोल्डर रहेगा वेब एप्स, एंड इन दिस वेब एप्स आई नीड टू पेस्ट दैट वॉर फाइल, ओके। वो वॉर फाइल का मुझे क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एज माई टॉमकैट इज रनिंग, ठीक है, एज माई टॉमकैट इज रनिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप TCET ऐप नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया उसने, ठीक है, TCET ऐप नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर आप देख सकते हैं index.html फाइल इज अवेलेबल।
अब हम क्या करते हैं, इसको ब्राउजर में फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं वेदर दैट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी दैट डायरेक्टरी इज अवेलेबल। ठीक है, तो गाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने दो तीन चीजें की यहाँ पर, बट आप लोगों को ने ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर उतना चीज समझ में आया कि डिप्लॉय कैसे करते हैं तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि डिप्लॉय कैसे करते हैं किसी भी वेब ऐप को जो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट से बनाते हैं। डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस स्टेप अगेन? यस सर, रिपीट। ओके फाइन। सो सबसे पहले तो इसको जो वेब एप्स में रखा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जितने भी मेरे ऐप्स है यहाँ पर उसको रिमूव करते हैं। ओके, तो जैम्प में, अच्छा जैम्प, जैम्प तो इंस्टॉल करके आप लोगों को टॉमकैट स्टार्ट करना है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, जैम्प इंस्टॉल करके आपको टॉमकैट स्टार्ट करना है, टॉमकैट की सबसे लास्ट में सर्विस है उसको स्टार्ट करना है, एंड मेक श्योर कि आपके जो कोड्स है ठीक है वो अवेलेबल रहे, तो आपको इक्लिप्स के अंदर उसको स्टॉप करके रखना है। ठीक है, इक्लिप्स के अंदर जो भी सर्वर्स है ठीक है वो सर्वर्स आपको स्टॉप करके रखना है। आपके केस में ये शायद नीचे दिखेगा, तो नीचे के केस में आपको सर्वर्स में जाके उसको स्टॉप करना जरूरी है, या फिर कंसोल में भी जाके आप यहाँ पर स्टॉप का बटन दिखेगा उसको स्टॉप कर दीजिएगा। ठीक है, टर्मिनेट या फिर स्टॉप। ठीक है, फिर आपने डेट से, अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूँ। H3 ठीक है, हेलो वर्ल्ड डाल देते इसमें, सिंपल हमने एक मैसेज चेंज कर दिया। अब इक्लिप्स के अंदर जो आपने डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको मुझे एक्सपोर्ट करना जरूरी है, अगर मुझे किसी को वो फाइल शेयर करनी है। तो वहां पे जावा फाइल सोर्स कोड नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ क्लास फाइल रहेगी या फिर आपकी जो HTML या JSP की जो वेब फाइल्स है वो रहेगी। ठीक है, जो ब्राउजर पे डायरेक्टली रन करते हैं, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर एंड वी विल गो टू एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट के अंदर यू कैन फाइंड द वॉर फाइल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो वॉर के ऊपर जब हम लोग क्लिक करते हैं, सो इट इज आस्किंग मी वेयर शुड आई सेव दिस, ओके वेयर शुड आई सेव दिस फाइल। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ब्राउज में जाके चेक करते हैं, हमारा tct.app.war फाइल था वहां पे हम न्यू फाइल बना लेते हैं, लेट्स से my tcet app। ठीक है, my tcet एक न्यू नेम दे दिया हमने। ठीक है, इसको जैसे हम सेव करेंगे तब आपके, देखो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे वो फोल्डर ओपन करके रखता हूँ tcet। ठीक है, और ये लिस्ट आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ एंड यू कैन सी यहाँ पर एक माई टीसीटी ऐप डॉट वॉर फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसको फिनिश करते हैं, देखा यहाँ पर माई टीसीटी ऐप डॉट वॉर फाइल क्रिएट हो गई गाइस। यस सर। ओके, सो ये जो फाइल है, दिस फाइल यू कैन सबमिट टू योर मॉडरेटर। ठीक है, प्रोजेक्ट गाइड को अगर आप ये फाइल सबमिट कर सकते हैं, इसको कैसे फिर वो लोग क्या करेंगे, दे कैन जस्ट यूज दिस फाइल। ओके, और यू योर सेल्फ कैन ऑल्सो यूज दिस फाइल। इसको कहाँ पे हमें रखना है, अवेलेबल करवाने के लिए टॉमकेट में अगर मुझे अवेलेबल करवाना है ये वाली फाइल, लेट्स से माई टीसीटी ऐप, ठीक है, टॉमकेट में अवेलेबल करना है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। ठीक है, सी ड्राइव में जाना पड़ेगा, सी ड्राइव में मेरा टॉमकेट सॉरी जैम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जैम की मैंने लिंक शेयर करके रखी है, जैम पर आपने स्टार्ट करना है और जैम के अंदर टॉमकेट सर्विस को स्टार्ट करना है। उसके बाद वहां पर आपको क्या दिखेगा, जैम फोल्डर के अंदर यू कैन फाइंड द टॉमकैट फोल्डर। ठीक है, इसको बड़ा करता हूं। ठीक है, जैम फोल्डर के अंदर यू कैन फाइंड द टॉमकैट फोल्डर। टॉमकैट के अंदर जाने के बाद यू कैन फाइंड डिफरेंट फोल्डर्स ओवर देयर। ठीक है, उस फोल्डर्स में से आपको कहां पर रखना है, वेब एप्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाके वो जो वॉर फाइल है उसको पेस्ट करना। मैं इस पाथ को कॉपी करके चैट बॉक्स में रख देता हूं, अगर आपका सी ड्राइव में ही रहेगा तो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वेब डायरेक्टरी के अंदर आप लोगों को वो जो वॉर फाइल है उसको पेस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करते हैं उसको, डेस्कटॉप से कर लेते हैं,
जैसे आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका टॉमकैट अगर रनिंग है तो वार फाइल को वो कन्वर्ट कर देता है एक फोल्डर में, ठीक है, वहां पर एक फोल्डर जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप माई TCET फोल्डर जनरेट हो गया है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड फाइल है आपके वेब प्रोजेक्ट के लिए वो फाइल्स रहती है जो आपने क्रिएट किया है वो index.html। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो वो फाइल अवेलेबल हो जाएगी। देखो यही फाइल में कंटेंट लिखे थे हमने, वो फाइल के कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, इतना क्लियर है? यस ओके चलो, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हम वेब प्रोजेक्ट बनाते क्यों है, सो दैट वी कैन टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, क्योंकि यूजर से हम इनपुट लेना है और वो इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वी नीड टू गिव द आउटपुट टू द रिजल्ट, रिजल्ट टू द यूजर। ओके, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें यूजर को रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में सेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारा टॉमकैट यहाँ पर एक जगह पे रन हो रहा है, ठीक है, टॉमकैट यहाँ पर रन हो रहा है और टॉमकैट सर्व कर रहा है आपकी रिक्वेस्ट को। तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो अपाचे टॉमकैट रिसीव करेगा और जिस तरह की रिक्वेस्ट है उस तरह का वो प्रोसेसिंग करके आप लोगों को क्या देगा, जावा प्रोसेस करके आप लोगों को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, सो हाउ कैन यू डू दैट, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट, मतलब हम लोग थोड़ा सा अभी, हाँ अभी देखेंगे। ओके, वो कैसे क्या करते हैं, इनपुट कैसे क्या यूजर से लेंगे। तो लेट से हम एक फॉर्म लेंगे यूजर जहां पर इनपुट डालेगा और उस फॉर्म की रिक्वेस्ट को हम सर्वलेट में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उस फॉर्म की रिक्वेस्ट को हम लोग सर्वलेट में एक्सेप्ट करेंगे। चलो, तो नया एक चीज, सबसे पहले इसको टॉमकैट को स्टॉप कर देते हैं, जो जैम का टॉमकैट है उसको स्टॉप कर देते हैं हम, सो दैट वी शुड बी एबल टू यूज अवर इक्लिप्स वाला टॉमकैट। ओके, इसको स्टॉप कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, इक्लिप्स में चलते हैं हमारे, इसको मिनिमाइज करके रखते हैं और यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, गैस आपको HTML आता है थोड़ा बहुत तो भी? ठीक यस है, सो बेसिक नॉलेज ऑफ HTML इज रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिकली आपको HTML के फॉर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाता हूँ एंड उस फॉर्म में एक इनपुट लिखते, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू लेट्स से नाउन 1। ठीक है, नेम इक्वल्स टू नाउन 1। ठीक है, नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पर और फिर br टैग का यूज करेंगे यहाँ एंड वैसे ही इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू कैन इक्वल। ठीक, कैलकुलेट, इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस फाइल, वेदर इट इज वर्किंग, रन एज रन ऑन सर्वर। ओके, सो यहाँ पर अपाचे टॉमकैट 9 वर्जन सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में चेक कर लेना आपका एक ही प्रोजेक्ट है क्या वहां पे इंस्टॉल्ड, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मुझे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट दैट वन एंड क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, यहाँ पर लॉग में कंसोल आउटपुट में शो कर रहा है वो क्या क्या प्रोसेसेस रन हो गई है। ओके, सो फॉर्म, इट इज शोइंग मी द फॉर्म। अभी इसको क्या करते हैं हम लोग हमारे ब्राउजर में रन करते हैं एंड वेदर इट इज गिविंग मी करेक्ट, फाइन। तो यहाँ पर ये करेक्ट आउटपुट शो कर रहा है, यहाँ पर लेट से एक नंबर डालते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये सबमिट तो हो रहा है लेकिन खुद में ही सबमिट हो रहा है, हमें क्या करना है, आई नीड टू, वट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन दैट। ओके, तो HTML तो कोई प्रोसेसिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, HTML सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है, द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर एक लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी दूसरी लिंक ओपन होगी और आपको प्रेजेंट करेंगे वो सारी चीजें।
But what I need to do now, I need to take value from user and process it in Java. तो वो कैसे करते हैं? There comes your servlet. Okay, वहां पर आपका servlet काम में आता है. तो servlet क्या करता है? जो भी request आती है, उसको accept करता है. उसमें जो भी numbers, values वगैरह जो चीजें हैं, ठीक है, string है, तो उन चीजों को वो accept करता है. Then you can perform operation on that. ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है? जब भी मैं इसको submit करूँगा, तब ये servlet के पास जाना चाहिए. So what I need to do? I need to create one servlet first. Okay? I need to create first servlet. यहाँ पर right click करते हैं. Project के ऊपर right click करना है. New कोई भी file create करने के लिए. यहाँ पर new and यहाँ पर servlet में जाते हैं. ठीक है? यहाँ पर class name देते हैं servlet का. Kelsey. ठीक है? Kelsey servlet. Okay? Let me just this. Okay. So Kelsey servlet हम लोगों को बनाना है and Kelsey servlet में हम लोग next करते हैं. ठीक है? यहाँ पर आने के बाद हमें वो methods पूछता है कि कौन कौन सी methods आपको select करनी है. ठीक है? URL mappings में आप देख सकते हैं Kelsey servlet यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो as it is रखेंगे हम, कोई change नहीं करेंगे. We can We'll try to keep things simple, okay? तो URL mappings में मतलब ये मैं ब्राउजर से अगर मैं ऐसा हिट करूंगा Kelsey servlet, तो वो मुझे Kelsey servlet में जो भी चीज है वो शो करेगा. ठीक है? इसको नेक्स्ट कर देते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं do post, do get, service, ठीक है, different different methods है. जो by default है फिलहाल हम लोग वही चेक करते हैं. ठीक है? By default जो methods है हम वही चेक करते हैं और इसको कर देते हैं अभी finish. ठीक है? इसको कर देते हैं finish. ओके, सो यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर इसने जनरेट करके दे दी है. मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूँ सो दैट यू कैन सी. यहाँ पर अननेसेसरी जितने भी कमेंट्स वगैरह वो मैं निकाल देता हूँ सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. ठीक है गाइस, इतना कोड दिख रहा है आप लोगों को? एवरीबॉडी इज ओके, फाइन. इसे मैं सेव करता हूं. अब ये क्या करेगा, ये डिप्लॉय होने स्टार्ट कर देगा सबसे पहले सर्वर के अंदर. ठीक है? सर्वर के अंदर डिप्लॉय अगर नहीं हुआ तो हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार. बट लेट सी Kelsey सर्वर इज अवेलेबल और नॉट. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको Kelsey सर्वलेट इसको कॉपी करेंगे एज इट इज. जो भी वेब सर्वलेट में मैपिंग दिया हुआ है Kelsey सर्वलेट, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और ब्राउजर में जाके उसको URL में रख देंगे. ठीक है? ब्राउजर में URL में रख देंगे Kelsey servlet. जैसे ही इसको हिट करेंगे, अभी ये 404 दिखा रहा है because maybe it has not deployed. ठीक है? क्योंकि Java फाइल है तो वो compile करने के बाद हमें restart करना पड़ेगा to make it available. तो यहाँ पर मैं save करता हूँ, मतलब पहले stop करता हूँ and then फिर से इसको restart करते हैं. ठीक है? फिर से इसको restart करते हैं. So run as run on server. Next. ओके, यहाँ पर तो शो कर रहा है Eclipse के ब्राउजर में. हमारे ब्राउजर में जाके देखते हैं, वो 404 की जगह अभी जो आउटपुट है Kelsey servlet का वो आउटपुट शो करता है. ठीक है? इसको रिफ्रेश करते हैं एंड नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग मी द आउटपुट. ठीक है? एक प्रॉपरली आउटपुट शो कर रहा है यहाँ पर. ओके, और ये कौन सी मेथड कॉल कर रहा है अगर उसको कन्फर्म करना है तो देखो ये यहाँ की लाइन एक्चुअली कॉल कर रहा है. ठीक है? तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ. ठीक है? TCVT app is ready to serve. इस पर refresh save करते हैं. Let it reload. Okay, reload कर दिया शायद उसने. इसको refresh करते हैं. And you can see it is coming from there. ठीक है? तो जो कुछ भी यहाँ पर रहेगा वो सारी चीजें वो क्या कर देगा, आपको ब्राउजर पे शो करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है गाइस, इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं एंड
वी हैव फाइव फाइव मिनट्स, सो इसको थोड़ा सा समझते एंड देन वी विल गो फॉर अ ब्रेक. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले थोड़ा सा चीज यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट एप से फॉर्मेट कर सकता हूँ मैं इसको, सो दैट आई कैन सी द कोड ओवर हियर. नो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज अवेलेबल. अब यहाँ पर इस चीज को निकाल के हम लोग एक अपना मैसेज डालते हैं, ठीक है. सो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट देकर हम println यूज कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, जैसे जावा में आउटपुट होता है, ठीक है. और यहां पर कर सकते हैं हेलो, जो मैसेज मैंने दिया वही मैसेज वहां पर फ्रंट एंड में शो करना चाहिए. ओके हेलो वर्ल्ड इट इज प्रिंटिंग. बट अभी यूजर से जो वैल्यू है वो हमें यहां पर रिसीव करनी है, तो वो कैसे करेंगे हम कैलसी सर्वलेट को. और एक चीज यहाँ पर मैपिंग करने के लिए या समझने के लिए कि ये यही से मैप हो रहा है, ये कैसे चेक करेंगे. अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ भी, मैंने कुछ भी डाल दिया. अब ये कुछ भी रिसीव कुछ भी ही कॉल होना चाहिए, ये कैसे करेंगे हम यहाँ से डिसाइड. यहाँ पर पास कर देंगे कुछ भी, देख रहे हो, तो वो लोड होने के बाद कुछ भी में ही अभी वो चीजें वहां पर अवेलेबल हो रही है, ठीक है. So, यहाँ पर जो चाहे आप वो नाम दे सकते हैं मैपिंग के लिए, ठीक है. ब्राउजर से जो भी चीज हिट हो रही है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, चेक करेगा कि वो चीज यहाँ पर अवेलेबल है क्या, एंड देन उसके अंदर की जो मेथड्स है वो कॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं एज इट इज रख देता हूँ कैलसी सर्वलेट, ठीक है. इसको कॉपी करते हैं, सेव करते हैं. एंड आपके फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है एक्शन, ठीक है. एक्शन इज द एट्रीब्यूट इन द फॉर्म, देयर यू नीड टू पास दैट सर्वलेट नेम, ओके, देयर यू नीड टू पास दैट सर्वलेट नेम. और वो सर्वलेट नेम, ठीक है, क्या करेगा, जब भी मैं सबमिट करूंगा, ठीक है, यहां पर देखो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, कैलकुलेट बटन जो बनेगी उसके ऊपर जब भी मैं क्लिक करूंगा तब वो कहां पर सबमिट होना चाहिए, कैलसी सर्वलेट में सबमिट होना चाहिए. कैलसी सर्वलेट में सबमिट होने के बाद कहां पर आएगा, वो आएगा डू गेट के अंदर, ठीक है, गेट मेथड के अंदर आएगा और यहाँ पे वो वैल्यू शो करेगा. हम यहाँ पर प्रिंट करके देखेंगे उस वैल्यू को, कैसे, इंटीजर नम वन इक्वल्स टू गेट पैरामीटर इज द फंक्शन. यहाँ पर आप लोग वो नाम दे सकते हैं जो फॉर्म के अंदर आपने दिया हुआ है, ठीक है. फॉर्म के अंदर देखो मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल्स टू क्या दिया है गाइस, एनीबॉडी, नंबर. तो नंबर में ही वो वैल्यू जाएगी और वही वैल्यू हम यहां पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. एंड एज ओके एज इट इज लाइक इंटीजर में हमें उसको लेना है तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पास इंट करेंगे सो दैट वी कैन असाइन इट टू एनी इंटीजर. ओके गाइस, और मैं इसको क्या करता हूँ, प्लस देकर नम वन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है. नम वन अपेंड कर दिया मैंने उस हेलो वर्ल्ड के मैसेज के साथ. अभी इसको लोड करने देते हैं, ये फिर से डिप्लॉय होगा और वहां पर लोड कर देगा. इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी क्या करेगा, इस वैल्यू के साथ अभी लोड करेगा, एक्शन इक्वल्स टू कैलसी सर्वलेट के साथ वो लोड कर देगा. और फ्रंट एंड पे हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग ऑन नॉट. सो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर सिंपली, हिट करता हो तो वो इंडेक्स फाइल रन कर रहा है, दैट इज फॉर श्योर. ओके, इंडेक्स फाइल रन कर रहा है और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा फॉर्म में एक्शन भी आया है या नहीं, ठीक है. तो यहाँ पर देखो फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू कैलसी सर्वलेट आ रहा है, दिख रहा है गाइज, ये बॉटम में कैलसी सर्वलेट आ रहा है. Are you able to see this? Calci servlet action equals to? Yes, sir. ठीक है, जो मैंने कोड में लिखा है वही सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है. अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फाइव, फिर से फाइव डाल दिया. अब सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने पर एज आई हैव गिवन एक्शन इक्वल्स टू कैलसी सर्वलेट,
तो वो कैल्सी सर्वलेट के पास ही जाना चाहिए। जैसे ही मैं इस पर सबमिट करता हूँ, यू कैन सी कैल्सी सर्वलेट नाम इक्वल्स टू वन। तो व्हाट इट इज सेइंग, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, गेट पैरामीटर इज डिफाइंड फॉर टाइप स्ट्रिंग, द मेथड गेट पैरामीटर। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं कैल्सी सर्वलेट के अंदर। सो गेट पैरामीटर, ओके, गेट सर्वलेट इन्फो यहाँ पर गलती से आ गया। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट से हमें गेट पैरामीटर मिलेगा और गेट पैरामीटर में नंबर, ठीक है, इसको डिप्लॉय होने देते हैं। ओके, रीलोड रीलोड कर रहा है वो, अभी फिर से रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस वैल्यू इज कमिंग। ओके, फाइव वैल्यू वहां पर रिसीव हो गई है, ठीक है। तो गाइज हमने क्या किया, फिर से एक डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से 5 की जगह मैं 8 डाल के देखता हूँ और फिर कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी दैट वैल्यू इज कमिंग एंड वी आर रिसीविंग इट इन अवर जावा फाइल। और जावा फाइल कौन सी, वेब से कोई भी रिक्वेस्ट अगर मुझे एक्सेप्ट करनी है, सो विच क्लास इज अवेलेबल ओवर देयर, द सर्वलेट क्लास इज अवेलेबल। और कोई भी क्लास सर्वलेट क्लास है या नहीं है ये कैसे कंफर्म करेंगे हम, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट उसने